अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रिजली बेटा शहर के टाइक और मैं आया हूँ सब दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन के लिए वाले थे। दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि हमें कोर्ट मैरिज का मुकम्मल क्वेश्चन मुकम्मल तफसील बताई जाए कि कोर्ट मैरिज होता क्या है, कैसे किया जाता है और क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद इसकी कोई प्रोटेक्शन भी की प्रोटेक्शन का भी कोई तरीकाकार कोर्ट देती है, फ्राहम करती है। तो मैं आज अब दोस्तों से आज इस कोर्ट मैरिज को मुकम्मल डिस्कस करूँगा। इस सबसे पहले मैं आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। दोस्तों जो बेसिकली पाकिस्तान में जो एज रिस्ट्रिक्शन एक्ट है उसमें जो एज है लड़की की वो 16 साल डिस्क्राइब की गई है, 16 साल से बच्ची की एज कम ना हो और लड़के की जो एज है वो 18 साल से कम ना हो। 16 साल की एज में जो बच्ची है वो प्रॉपर बालिग हो चुकी होती है, आकला होती है। अदालत निकाह के बाद ये चीज़ क्वेश्चंस पूछती भी है और उसके बाद जो प्रॉपर निकाह का प्रोसीजर होता है वो इस तरह से है कि एक जिस तरह से हमारी एक सोसाइटी का अंग बन चुका हुआ है कि कोर्ट घर वाले नहीं मानते, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें अगर कोई इस तरह का मामला बनता है कोर्ट मैरिज तक आपकी कंडीशन आ जाती है तो कोर्ट मैरिज के लिए जो है वो 2 विटनेसेस का होना ज़रूरी है, लड़की या लड़के के आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर आईडी कार्ड्स नहीं है तो उनका बे फॉर्म का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रॉपर निकाह के डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको एक बताऊँगा कि इसके बाद भी एक चीज़ मामला चलता है, लेकिन मैं आपको पहले सही प्रोसीजर की आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। उस पर यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके किसी अच्छे से अटॉर्नी से बात करें, डिस्कस करें। अटॉर्नी का होना ज़रूरी है, अटॉर्नी का होना इस वजह से ज़रूरी है कि किसी भी स्टेज पे आपके निकाह के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, निकाह में कोई मिस्टेक ऐसी बन जाती है जिसको आपको भुगतने के लिए कल को आपको डिक्लेरेशन सूट फाइल करना पड़ता है, तो प्रॉपर जो आपका अटॉर्नी होगा, काउंसिल होगा, वो ऑलरेडी वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरह की कोई चीज़ बाकी ना रहे। उसमें लड़की का जो निकाहनामे के अंदर जो है वो डावर अमाउंट का जो अमाउंट के जो होते हैं कॉलम्स होते हैं 14, 15, 16, 17, ये सारे लड़की के लिए हैं कि कोई डावर अमाउंट मौके पे जो मुअज्जल अदा कर दी जाती है जिसको हम प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं, एक हमारा डेफर डाल होता है जिसको हम इंदल तलब कहते हैं या गैर मुअज्जल कहते हैं, वो कितना होगा, या कोई इस तरह की कंडीशन लगाना चाहती हैं कि वो अपनी शादी को सिक्योर करें और उनका हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी ना करें। मुझसे अभी रिसेंटली एक हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मुझे पता लगा है कि ये वाला जो लॉ है वो ख़त्म हो चुका है कि लड़का लड़की फीमेल जो है वो अपने शोहर को रोकने के लिए कोई इस तरह की कंडीशन नहीं लिखवा सकती। ऐसा कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं आई, कोई ऐसा लॉ नहीं आया। उसमें ये है कि कंडीशंस होती हैं, तरीक़ेकार हैं कि किस तरह वो बचाया जा सकता है, जो कि काउंसल्स होते हैं वो उनका काम है अपने अपने जो क्लाइंट है उसको किस तरह से जो है ना वो सेफ रखना है। कोई इस पर कानून अभी अमेंडमेंट नहीं आई, ये एज इट इज़ चल रहा है। लड़की अपनी शरायत लिखवा सकती है कि अगर ये दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी करने पे हम इतना ही घर जाना देना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। और दूसरी एक चीज़ आती है कि वो अगर हमें तलाक देता है तो 10 लाख रुपए मुझे देगा अगर मुझे तलाक देगा। ये बेसिकली तो शरीयत में चीज़ें देखी इस वजह से जाती थी कि ताकि गुस्से में या किसी भी चीज़ में आके हस्बैंड जो है वो तलाक प्रोनाउंस ना कर दे। लेकिन अब इसका जो एम है वो कुछ और ही समझा जाता है। लिहाजा हम थोड़ा सा टॉपिक से हट के तो मैं दोबारा टॉपिक की तरफ आता हूँ कि जब हम ये लड़की की फीमेल की कंडीशंस होती हैं उसको प्रॉपर बयान करती है, पूछती है, जब निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद वो प्रॉपर 2 विटनेसेस होंगे, विटनेसेस के सामने निकाह पूछता है कि इन गवाहान की मौजूदगी में फलां से आपका निकाह किया जाता है, क्या आपके कबूल है। 3 दफ़ा ये चीज़ पूछी जाती है, हमारे शरीयत के मुताबिक ही प्रॉपर जो है वो निकाहनामा निकाह होता है। निकाह होने के बाद फिर
लड़की की और लड़के की, लड़की की और लड़की की प्रोटेक्शन, दोनों की प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तगासा एंड हरासमेंट की पिटीशन, इस्तगासा सेक्शन 506 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हम जो है बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ द कंपिटेंट कोर्ट हम फाइल करते हैं। वहाँ पे लड़की जाके अपनी लड़की जाके प्रॉपर अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है कि मैं आकला हूँ और बालगा हूँ, मैं अपनी मर्जी के साथ इस अपने शोहर के साथ मैंने शादी की है, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, बुसलाया नहीं, मैं अपनी आज़ाद मर्जी के साथ अपने इस शोहर के साथ शादी कर रही हूँ और अपने घर से कोई पैसे, कोई नकदी, कोई जेवर, कोई प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह चोरी करके नहीं लेके आई। चूँकि इस तरह की कोर्ट मैरिजेस के बाद सबसे पहला जो प्रॉब्लम बनता है वो हिट ही लड़के को करते हैं। लड़के को ये समझा जाता है कि सेक्शन 365 के तहत ये किडनैप करके ले गया हुआ है और किडनैपिंग के बाद जो है वो सूरत हाल के बाद वो देखा जाता है कि यार ये इसने कोई चीज़ें हम लड़की के थ्रू चोरी भी करवाई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो FIR के अंदर लिखवाई जाती हैं। तो जब लड़की की वो स्टेटमेंट हो चुकी होती है तो 365B की जो स्टेट 365B की जो असल वैल्यू है किडनैपिंग का जो केस बनाया जाता है जहाँ जहाँ पे उसकी अटेस्टेड कॉपी जानी है लड़की की स्टेटमेंट की, तो 365B का पर्चा जो है ना उसी वक्त स्टॉप हो जाना है। उसका फिर प्रॉपर एक प्रोसीजर है, चलान आएगा, चलान में वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बेसिक मेन जो एडवांटेज है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने का वो यही होता है कि लड़के पे किसी किस्म की कल को कोई जो है वो वार अगर करते हैं तो वो ना हो। साथ ही साथ उस पर ये बयान दिया जाता है कि लड़की जो है अपनी रजामंदी के साथ शादी की है, लड़की ने किसी किस्म को इसको फोर्सफुली इससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाएगी। इसके बाद अगर मज़ीद आपको जो है वो डर हो कि हमें हमारे साथ ये झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे या इस तरह के मामलों में हमारे साथ इंडल्ज रहेंगे, क्रिमिनल कार्रवाई हमारे खिलाफ कर सकते हैं, तो उस सूरत हाल में लड़की के पास इख्तियार है, लड़की और बल्कि लड़के दोनों के पास इख्तियार है कि वो बिफोर सेशन जज आप हरासमेंट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हरासमेंट की पिटीशन फाइल के अंदर आप ये करेंगे कि जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आपकी रेजिडेंशियल जो है वो आती है, रेजिडेंस आती है, उसके SHO को आप पार्टी रखें। SHO को पार्टी रखने के बाद आप प्रॉपर जो उसका तरीकाकार है आप उसके तहत SHO लड़की का बाप, लड़की के भाई, लड़की के मामू चाचू, लड़के का भाई, बाप, मामू चाचू, उन सबको पार्टी बनाएं। पार्टी बन के आप हरासमेंट की पिटीशन फाइल करें कि हमें इनसे डर है, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर फरमा देगी और SHO को कहेगी कि किसी किस्म की क्रिमिनल कार्रवाई ना करो और जो है वो उनको डायरेक्शन फरमा देगी कि इनको जानबूझ के किसी भी स्टेज पर हरासा ना फरमाया जाए। तीसरी जो सूरत हाल है वो आ जाती है एक प्रोटेक्शन की पिटीशन फाइल करने की। कोई ऐसी शादी के बाद ऐसी किसी जगह पे कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है और उस लड़ाई झगड़े में कोई सीवियर इंजरी आने का डर है या कोई सीवियर इंजरी आ जाती है, तो आप एक सेशन जज साहब के सामने या इवन दो इन हाई कोर्ट आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि हमें हमारी जान का खतरा है, हमारी जान खतरे में है और हमारी जो जान की प्रोटेक्शन जो है वो हमें ऑनरेबल कोर्ट फरमाए। तो कोर्ट जो है प्रॉपर तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए उनके कोई इस तरह का कोई मामला है भी है, कोई इस तरह का वकूआ बना भी है, प्रॉपर जो है वो SHO को या ASI को कॉल करती है, बुलाया जाता है, उनसे इस तरह के वकूए की बाबत पूछा जाता है और अगर कोई कोर्ट कंपिटेंट कोर्ट समझती है कि वाकई इस तरह का मामला पेश आया है तो अदालत जनाब ऑर्डर फरमा देती है प्रोटेक्शन के लिए, उसमें जो भी मुनासिब लगे कोर्ट ऑर्डर फरमाती है और कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए, लड़की और लड़के की प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर फरमा सकती है क्योंकि वो ऑनरेबल कोर्ट जो मजाज है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों का आज का टॉपिक कोर्ट मैरिज के हवाले से पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लॉ टेक्स गाइडेंस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी दोस्तों को क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं लाजमी आप सब दोस्तों का उनका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।